सत श्री अकाल जी, नमस्ते। बहुत बहुत प्यार, सदा खुश रहो। अज मैं जो वीडियो लैके आ रही हाँ, मेरे बच्चों के कमेंट्स से है। वो चाहते सन कि सानू दसो, एक तो साड़ी स्किन बहुत ज़्यादा ढिली हो गई है छोटी उम्र ही, और एक रिंकल होने लग गए ने। अज असी वही स्पेशल क्रीम बना रहे हैं जिसका वीडियो मैं तुहानू पा के दिखावांगी। ये बेटा साड़ा क्रीमी मास्क है, क्रीम की तरह हैगी है और चेहरे पर मास्क की तरह लगेगी। हर एक स्किन वास्ते, सेंसिटिव स्किन है तुहाडी, ड्राई स्किन है बेटा, ऑयली स्किन है, सब स्किन वास्ते बहुत अच्छी क्रीम है। और मैं इसनों अज बनावांगी, तुसी इसनों यूज़ करोगे तो तुसी इसका फर्क महसूस करोगे। बाकी मैं देखा कि हर एक नूं हर चीज़ सूट नहीं करती बेटा, ते अलग अलग स्किन होने के कारण तुसी इस नूं पैच टेस्ट जरूर करना। जदों भी तुसी कोई भी छोटी तो छोटी, चाहे वह घरेलू नुस्खा होए, चाहे किसी नूं खराब ना करता होए, लेकिन तुसी जरूर इस नूं अपना कान के पिछे लगा के 24 घंटे लिए पैच टेस्ट करना है, ताँ कि तुसी उसका तुहानूं कोई नुकसान ना होए किसी चीज़ का, और तुसी उसनूं अच्छी तरह बेफिक्री नाल यूज़ कर सको। ये बेटा असी एक कप पानी लिया है जिहड़ा 200 मिलीग्राम के करीब है। असी इन्हू छोटे पैन च पावांगे। नॉन स्टिक पैन है तो बहुत वधिया गल है, नहीं तो कोई भी तुहाडे कोल पैन है उस विच तुसी कर सकते हो। उस तो बाद बेटा असी देखो ओट दा आटा, जिन्हों इंडिया विच, पंजाबी विच, हिंदी विच जौं दा आटा कहा जाता है, ये साडे घरां विच बड़े पुराने जमाने तो यूज हुंदा आ रहा है। सारे लोग इहदे बारे जानते ने, साढ़े इत्थे हुंदा नहीं, असी ऑनलाइन ये आटा मंगवा रखे है। जौं दा आटा है, ये घरां विच हुंदा है, तुसी देखना और अपने घर का यूज़ करना। तो बाज़ारों मिल जाते हैं, जौं पीस भी सकते हो और जौं अगर साबत ने उन्हें पीस के उसका आटा बना सकते हो। ऐ असी 2 चम्मच जौं दा आटा बेटा लवांगे। ओट दा आटा जिहड़ा असी 200 मिलीग्राम पानी पाया सी बेटा, 2 चम्मच ओट दा आटा पाया सी, वो ये अच्छी तरह घुल गया। हुण असी इहनू गैस दे उत्ते रखांगे लो फ्लेम ते, और इसकी क्रीम बनावांगे, इसकी पेस्ट बनावांगे। पेस्ट बनन तो बाद की ये होर पाना है तो किवें लगानी है मैं बाद दसांगी तुहानू। बेटा लगातार हिलाते रहना है ता कि इहदे विच जिहड़ा ना जौं दा आटा कट्ठा ना हो जाए, गुठलियां ना बन जाए। इस वास्ते जब तक इहदी पेस्ट नहीं बनती अच्छी तरह इहनू हिलाते रहना बेटा। देखो साडी बहुत अच्छी पेस्ट जिहड़ी क्रीम टाइप बन गई है। अगर तुहानू कई वारी बनांदे हो लगे भी ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है, तुसी होर पानी भी पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर बेटा इनू असी ठंडी होने देंगे। देखो बेटा कितनी सुंदर पेस्ट बन गई है क्रीम टाइप। असी ये तो मास्क बनावांगे जो मुँह ते लगावांगे, किस तरह बनाना है मैं तुहानू हुण दसनी आ। अगर तुहाडे कोल ज़्यादा बन जाती है तुसी इस नूं किसी एयर टाइट डब्बी च पा के ठंडी करके फ्रिज विच 10 दिन तक रख सकते। 1 दिन छड के, 2 दिन छड के तुसी अपने चेहरे ते ता मास्क लगा सकते हो। बेटा 2 चम्मच असी यह पेस्ट लावांगे जिहड़ी बनाई है। यह देखो 2 छोटे चम्मच ही बहुत ने, और ये की करना घर हर घर च मलाई बनती है बेटा, फ्रैश मलाई ले लैनी है। ऐसी 1 चम्मच पा के रख्या होया सी बेटा, मलाई पुरानी नहीं होनी चाहिए, मलाई फ्रैश होनी चाहिए है। इनू अच्छी तरह बेटा मिक्स कर लेना, और फिर असी की करांगे इहदे च बेटा विटामिन ए दी 5 ड्रॉप पावांगी मैं। तुसी की करना है, तुहाडे कोल अगर विटामिन ई दे इस तरह के तेल नहीं हैगा तो तुसी बेटा विटामिन ई का कैप्सूल पा सकते हो, जो मैं हमेशा ही तुहानू दसनी आ, बाज़ारों मिल जाता है। 2, 3, 4, 5 तुसी 1 कैप्सूल लेना बेटा, उन्होंने ये पा लेना, फिर अच्छी तरह होर मिक्स कर लेना। बेटा अच्छी तरह लैनी है, लैन तो बाद अच्छी तरह अपने चेहरे ते, गर्दन ते, हत्थां ते लगा सकते हो, ताँ कि तुहाडी जिथे भी स्किन ढिली होई हुई है वो स्किन जिहड़ी है टाइट हो जाए और रिंकल फ्री हो जाए। हत्थां ते भी इस तरह लगा सकते हो तुसी अच्छी तरह बेटा इस तरह। ये असी हैंड ते फेस का मास्क बनाया है।
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਵੀ 25 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓਗੇ 25 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲੀਸਰੀਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਾਂ 2 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਸਰੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਡਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ, 2 ਚਮਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਲੀਸਰੀਨ ਅਤੇ 4 ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਧੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਟਾਵਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਸ ਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਂ ਦੀ ਪੇਸਟ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਜਿੰਨੀ ਚਮਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬੇਟਾ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ।